फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार है, जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। बहुत लोगों का कॉल, मैसेज, टेक्स्ट सब आया कि भैया कब आएगा CHSL 2021 या CGL 2022 का ज्वाइनिंग। तो देखो, CHSL का तो बहुत हद तक बहुत कुछ हो चुका है, डिवीज़न एलोकेशन का कुछ दिन में उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद जब डिवीज़न का रिजल्ट आएगा तो आपको डीवी के लिए आपके घर पे कॉल लेटर आएगा। कॉल लेटर के साथ ही अभी तक कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहता है, इसलिए अपने मन से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत बनवाओ। कॉल लेटर के साथ ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा। नॉर्मली आप कोई भी गजेटेड ऑफिसर से उस पर साइन चाहिए होता है, और एक वैसे लोगों से साइन चाहिए होता है गजेटेड ऑफिसर से जो आपको एक आध साल से जान रहे हो, ये लिखने का रहता है मतलब। तो नॉर्मली आप MBBS डॉक्टर या आपके 10+2 के जो हेडमास्टर होंगे उससे करवा सकते हैं। इस बहुत लोगों का बार बार यही कमेंट रहता है कि क्या पुलिस लेवल का ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है क्या। अभी तक तो नहीं लगता था, अब इस बार देखो, इस बार भी नहीं लगेगा क्या होता है। इसलिए जो इनकम टैक्स विभाग में जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया जाता है तो उसमें दिया रहता है कि एक बार SDM से बनवा लेना है, एक बार इससे बनवाना है, उससे बनवाना है। लेकिन अपना जो पोस्टल विभाग से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आता है उसमें सिर्फ स्टेट ऑफिसर का साइन चाहिए होता है, बस और कुछ भी नहीं। इसलिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ज़्यादा आप लोगों को सोचना नहीं है, ठीक है। बात करते हैं CGL 2022 का, कब सर्कल एलोकेशन आएगा, कब डिवीजन एलोकेशन आएगा। तो देखो, हम बहुत पता करने की कोशिश किए अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में, लेकिन वो लोगों को भी अभी कुछ फाइनली पता नहीं है क्योंकि ऊपर से कुछ आया नहीं है। लेकिन हम लोग होप कर सकते हैं कि अगस्त के फर्स्ट वीक में या इस मंथ के लास्ट तक में किसी भी दिन आ जाएगा। अभी देखो, एक नोटिस PDF वायरल हो रहा था जिसमें बोला जा रहा था कि 14 तक अब आ जाएगा, लेकिन पता नहीं कौन वैसे एडिट करके और ऐसे गलत न्यूज़ फैलाता है। लेकिन जो भी हो, हम लोग होप करेंगे कि जल्दी आ जाए CGL 2022 का सर्कल एलोकेशन और डिवीज़न एलोकेशन। जल्दी से आप ज्वाइन कर जाओ, क्योंकि मेरे को पता है कि कुछ हो जाता है उनको अंदर से कैसा फील करता है। बार बार मन में आता है कि यार कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, जबकि हम लोग सब कुछ ठीक है, मेडिकली भी ठीक है, डॉक्यूमेंट के रूप में भी ठीक है, लेकिन फिर भी मन में लगता है कि यार कहीं कुछ वैसा ना हो जाए। तो भाई, ऐसा अगर आपके मन में आता है, ये सब इसको नेचुरल समझना, ठीक है। ये सब नेचुरल है, और कोई ये सबों के साथ होता है, चाहे वो इंस्पेक्टर पोस्ट पे क्यों ना हो, या फिर पोस्टल असिस्टेंट क्यों ना हो, या MTS क्यों ना हो, ये सबों के साथ होता है। और यहाँ तक कि एक बार जो वेरिफिकेशन करवाया रहता है फिर भी उसको डर रहता है कि यार कहीं इस बार कुछ छांट ना दे, ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे। इसलिए ये भी एक टाइम होता है मज़े लेने का और कुछ सीखने का टाइम रहता है कि आप कैसे अपने आप को शब्द, आप अपने शब्द को बनाए रखते हो। मैं तो अपनी बात बताता हूँ कि मेरे गांव में तो लोग बोलने लगा था कि यार ये झूठ बोल रहा है, इसका नौकरी हुआ नहीं है, ऐसे फालतू का बोलता है। उस टाइम सोचो कैसा लगता होगा, क्योंकि CHSL का लगभग और दूसरे डिपार्टमेंट का सब कुछ आ गया था, लेकिन हमारे बहुत लोगों का पोस्टल असिस्टेंट का दूसरे डिवीज़न का डीवी का कॉल लेटर आ गया था, लेकिन हमारा जो डिवीज़न था मुंबई GPO डिवीज़न या महाराष्ट्र सर्कल, इसका थोड़ा लेट में हुआ ज्वाइनिंग कराने का। तो हम एकदम बहुत गाँव में तो इतना बेकार कर मतलब बात कुछ भी बोलता था, अरे यार झूठ बोलता है, हुआ नहीं है कुछ है। तो ये सब टाइम जो है सीखने का टाइम रहता है, और अपने आप को संभाल के रखने का टाइम होता है रहता है इस, और सब टाइम आना चाहिए सबों के साथ, क्योंकि इससे आप मजबूत होते हो अंदर से। और क्योंकि लाइफ सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी बहुत सारा चीज़ आपको फेस करना है, तो ये सब एक स्टेप होता है, आपको एक एक चीज़ आप फेस करते जाओगे, आप अंदर से मजबूत होते जाओगे। तो ऐसा करते हैं कि आप लोग अच्छे से रहो और CGL 2023 की अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से एग्ज़ाम दो जाके, और फिर क्योंकि हो सकता है आपका मेंस तक में ज्वाइनिंग हो जाए, लेकिन आपको टाइम मिल जाएगा पढ़ने का। और अभी जिसका एग्ज़ाम है उसको तो अच्छा टाइम मिल गया, क्योंकि उस टाइम उन लोगों को ये लग रहा था कहीं प्री के एग्ज़ाम के टाइम ही ज्वाइनिंग ना हो जाए CGL 2022 वालों का। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपका मेंस तक से पहले ज्वाइनिंग हो जाएगा, और फिर अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से एग्ज़ाम दो, ताकि आपको और अच्छा पोस्ट मिल सके इससे। और किसी का अगर CGL 2023 का एग्ज़ाम हो चुका है तो कमेंट करना कैसा एग्ज़ाम गया है, और आप लोगों का और अगर एग्ज़ाम है तो वो भी कमेंट करके बताना कि कैसा
तैयारी आपका चल रहा है और इस बार किस पोस्ट के लिए आप फाइट करने जा रहे हो, जिनका भी सिलेक्शन पीए के लिए हो चुका है। ठीक, तो और कुछ भी आपको अगर क्यूरी है तो आप मेरे को बार बार, मैं तो अपना नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा नंबर 8210874148। और फिर कोशिश करेंगे कि जो भी न्यूज़ आए वो आपको पहले आपके तक आपके पास पहुँचाएँ, ताकि आप जो उत्सुकता है उसको कम कर सकें। और मेरे तरफ से हमेशा कोशिश रहेगा कि जो भी है आपके तक पहुँचाए। और कुछ भी और जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट करो, और जाते जाते अपने भाई को सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ और लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। और एक बात और, सीजीएल का एग्ज़ाम अच्छे से दो, अच्छे से पढ़ के दो और अच्छे पोस्ट पे जाओ और ज़िंदगी की मज़े लो। बस डरो मत, किसी भी चीज़ से फालतू का मत डरो यार, जो मिल गया है उसके साथ चलना है, आगे बढ़ना है और डरना नहीं है फालतू का, कह रहे क्या मिल गया नहीं मिल गया, ये सब नहीं सोचना है। चलो, थैंक यू।